भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। जैसे ही ये शब्द इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 की सुबह रेडियो पर कहा था, देश शॉक्ड हो गया था। तत्क्षण भारतीय राजनीति के काले अध्याय की शुरुआत हो गई। हर तरफ अफरा तफरी, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया, सरकार की अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। इसी के साथ देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोकप्रिय नेताओं को जेल में जबरन ठूंसा जाने लगा। देश एक जेल खाने में तब्दील हो गया। मीसा और DIR कानून के तहत देश में 3 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। चुनाव तक स्थगित कर दिए गए। आपातकाल लागू होने के साथ ही इंदिरा गांधी को असीमित अधिकार मिल गए। उन्हें लोकसभा या विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी। सरकार कोई भी कानून पास करा सकती थी। यानी सब कुछ इंदिरा गांधी के इशारे पर तय होने लगा। पुलिस के द्वारा भारी उत्पीड़न की कहानियां सामने आने लगीं। इंदिरा के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जबरन पकड़ पकड़ कर नसबंदी कराई जाने लगी। इंसान खुद की जिंदगी अपने तरीके से जी नहीं सकता था। हंसते खेलते भारत में ये सब हुआ जब 25-26 जून की मध्य रात्रि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये सबसे विवादास्पद दौर था। सचमुच में ये भारतीय राजनीति का काला अध्याय था। हर तरफ खौफनाक मंजर। उस आपातकाल की स्क्रिप्ट के बारे में बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। बंद कमरे की वो स्क्रिप्ट जिसने देश के संविधान की आत्मा मार दी। 25-26 जून 1975 की आधी रात जब देश के लोग सो रहे थे, तब एक बंद कमरे में आजाद भारत के इतिहास के काले अध्याय की स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी। 25 जून 1975 की सुबह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय के फोन की घंटी बजती है। उस वक्त वो दिल्ली के बंग भवन में सोए हुए थे। फोन की दूसरे छोर पर इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन थे, जो सिद्धार्थ शंकर राय को प्रधानमंत्री निवास तलब कर रहे थे। जब राय एक सफदरजंग रोड पहुंचे तो इंदिरा गांधी अपने स्टडी रूम में बड़ी मेज के सामने बैठी हुई थीं। मेज पर खुफिया रिपोर्टों का अंबार लगा हुआ था। अगले 2 घंटे तक इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर राय दोनों देश की मौजूदा हालात पर बात कर रहे थे। इंदिरा गांधी का कहना था कि पूरे देश में अव्यवस्था फैल रही है। गुजरात और बिहार की विधानसभाएं भंग की जा चुकी हैं। अगर यही होता रहा तो विपक्ष की मांगों का कोई अंत ही नहीं होगा। हमें अब कड़े फैसले लेने होंगे। इंदिरा गांधी ने यह भी कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की हेट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनकी सरकार का भी CIA की मदद से चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर आइंदे की तरह ही तख्ता पलट ना हो जाए। सिद्धार्थ शंकर राय संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते थे। मजे की बात ये थी कि इंदिरा गांधी ने तब तक अपने कानून मंत्री HR गोखले से इस बारे में कोई सलाह मशविरा नहीं किया था। राय ने इंदिरा से आग्रह किया कि मुझे वापस जाकर संवैधानिक स्थिति को समझने दीजिए। इंदिरा ने राय से कहा कि आप जल्द से जल्द वापस आइए। राय ने न सिर्फ भारतीय बल्कि अमेरिकी संविधान के संबद्ध हिस्सों पर नजर डाली। राय दोपहर बाद 3:30 बजे दोबारा एक सफदरजंग रोड पहुंचे। उन्होंने इंदिरा गांधी को बताया कि वो आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकती हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने शंकर राय से कहा कि वो आपातकाल लगाने से पहले मंत्रिमंडल के सामने इस मामले को नहीं लाना चाहती। इस पर राय ने उन्हें सलाह दी कि वो राष्ट्रपति को सूचना दे सकती हैं
कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इंदिरा गांधी ने फिर सिद्धार्थ शंकर राय से कहा कि वो प्रस्ताव को लेकर राष्ट्रपति के पास जाएं। अमेरिकन ऑथर कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा में लिखती हैं कि इसका सिद्धार्थ शंकर राय ने ये कहकर विरोध किया कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन उन्होंने ये पेशकश जरूर कर दी कि वो उनके साथ राष्ट्रपति भवन चल सकते हैं। इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर राय दोनों शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे। सारी बातें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को समझाई गई। राष्ट्रपति ने इंदिरा से कहा कि इमरजेंसी के कागज भिजवाइए। जब राय और इंदिरा गांधी वापस एक सफदरजंग रोड पहुंचे तब तक अंधेरा हो गया था। सिद्धार्थ शंकर राय ने इंदिरा गांधी के सचिव पीएन धर को ब्रीफ किया। पीएन धर ने टाइपिस्ट को बुलाकर आपातकाल की घोषणा के प्रस्ताव को डिक्टेट किया। उसके बाद इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी आर के धवन कागजात के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इंदिरा गांधी ने निर्देश दिए कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अगली सुबह यानी 26 जून की सुबह 5 बजे फोन कर बताया जाए कि सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तब तक आधी रात हो चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ शंकर राय अभी भी एक सफदरजंग रोड पर मौजूद थे। वो इंदिरा गांधी के साथ उस भाषण को अंतिम रूप दे रहे थे जिसे इंदिरा गांधी अगले दिन मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रेडियो पर देश को संबोधित करने वाली थीं। बीच बीच में बेचैन आत्मा की तरह संजय गांधी उस कमरे में आ जा रहे थे जहां इंदिरा आपातकाल की रणनीति बना रही थीं। एक दो बार तो उन्होंने 10-15 मिनटों के लिए इंदिरा गांधी को कमरे से बाहर भी बुलाया। दरअसल उस समय इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर के धवन के कमरे में संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। उस लिस्ट के अनुमोदन के लिए इंदिरा को बार बार कमरे से बाहर बुलाया जा रहा था। ये तीनों लोग इस बात की भी योजना बना रहे थे कि अगले दिन कैसे समाचार पत्रों की बिजली काटकर सेंसरशिप लागू की जाएगी। जब इंदिरा गांधी ने अपने भाषण को अंतिम रूप दिया सुबह के 3 बज चुके थे। सिद्धार्थ शंकर राय ने इंदिरा गांधी से विदा ली। अभी राय गेट पर ही गए थे कि वो ओम मेहता से टकरा गए। उन्होंने राय को बताया कि कैसे अगले दिन अखबारों की बिजली काटने और अदालतों को बंद रखने की योजना बना ली गई है। सिद्धार्थ शंकर राय ने तुरंत इसका विरोध किया और कहा कि ये बड़ा ही बेतुका फैसला है, हमने इसके बारे में तो चर्चा नहीं की थी, आप इसे इस प्रकार से लागू नहीं कर सकते। राय वापस मुड़े और धवन के पास जाकर बोले कि वो इंदिरा गांधी से फिर मिलना चाहते हैं। धवन भांप गए थे, उन्होंने कहा कि वो सोने जा चुकी हैं। राय ने जोर देते हुए कहा कि मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। झिझकते हुए धवन इंदिरा गांधी के पास गए और उन्हें बाहर लेकर आए। राय ने अमेरिकन ऑथर कैथरीन फ्रैंक को बताया कि जब उन्होंने इंदिरा को बिजली काटने वाली बात बताई तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने सिद्धार्थ शंकर राय से इंतजार करने के लिए कहा और कमरे से बाहर चली गईं। इस बीच धवन के दफ्तर से संजय ने बंसीलाल को फोन किया कि सिद्धार्थ शंकर राय बिजली काटने की योजना का विरोध कर रहे हैं। बंसीलाल ने तुरंत कहा कि राय को निकाल बाहर करिए, वो खेल बिगाड़ रहे हैं। वो खुद को बहुत बड़ा वकील समझते हैं लेकिन उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। जब सिद्धार्थ शंकर राय इंदिरा गांधी का इंतजार कर रहे थे तो ओम मेहता ने उन्हें बताया कि इंदिरा सेंसरशिप तो चाहती हैं लेकिन अखबारों की बिजली काटने और अदालतें बंद करने का आइडिया संजय गांधी का है। इंदिरा वापस लौटी तो उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, बिजली रहेगी और अदालतें भी खुलेंगी। राय इस खुशफहमी में वापस लौट गए कि सब कुछ ठीक हो गया है। जब 26 जून को तड़के इंदिरा सोने गईं, देश में नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी थीं। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण और मोरारजी भाई देसाई को हिरासत में लिया गया। इंदिरा गांधी ने सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी थी। वे थे तमिलनाडु के नेता कामराज, बिहार के समाजवादी नेता और जयप्रकाश नारायण के साथी गंगा शरण सिन्हा और पुणे के समाजवादी नेता एसएम जोशी। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर जब अखबार प्रिंट के लिए जा रहे थे तभी उनकी बिजली काट दी गई। अगले दिन सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन जैसे ही अखबार छप पाए थे क्योंकि उनके प्रिंटिंग प्रेस बहादुर शाह जफर मार्ग पर नहीं थे। इंदिरा गांधी उस रात बहुत कम सो पाई, लेकिन जब वो तड़के सुबह कैबिनेट की बैठक में आईं, तो बिल्कुल भी थकी हारी नहीं लग रही थीं। 8 कैबिनेट मंत्रियों
और 5 राज्य मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया क्योंकि 9 मंत्री दिल्ली से बाहर थे। जैसे ही ये लोग बैठक में आए, उन्हें आपातकाल उद्घोषणा और गिरफ्तार किए गए नेताओं की लिस्ट थमा दी गई। इंदिरा ने बताया कि आपातकाल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। सिर्फ एक मंत्री ने सवाल पूछा, वो थे रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह। उनका सवाल था, किस कानून के तहत गिरफ्तारियां हुई हैं? इंदिरा गांधी ने उनको संक्षिप्त जवाब दिया, जिसे वहां मौजूद बाकी लोग सुन नहीं पाए। कोई मतदान नहीं हुआ, कोई मंत्रणा नहीं हुई। पीएन धर ने अपनी किताब इंदिरा गांधी द इमरजेंसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी में लिखा कि भारत में इमरजेंसी को मंजूरी देने वाली ये बैठक मात्र आधे घंटे में खत्म हो गई। आपातकाल को किसी ने चुनौती नहीं दी। कुछ महीनों बाद संपादकों के साथ एक बैठक में इंदिरा गांधी ने कहा था, When I imposed the emergency, not even a dog barked. क्यों और कैसे लगा आपातकाल? भारतीय लोकतंत्र में 25 जून की तारीख ब्लैक डे के नाम से याद की जाती है, क्योंकि इसी दिन साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया था। आज़ादी के महज 28 साल बाद ही देश को आपातकाल के दंश से गुजरना पड़ा। दरअसल लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी के कई फैसलों के कारण न्यायपालिका से टकराव शुरू हो गया था। यही टकराव आपातकाल की पृष्ठभूमि भी बना। आपातकाल के लिए 27 फरवरी 1967 को आई सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस सुब्बा राव के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने 7-6 जजों के बहुमत से सुनाए गए फैसले में ये कहा था कि संसद में 2/3 बहुमत के साथ भी किसी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्रावधान को न तो खत्म किया जा सकता है और न ही इन्हें सीमित किया जा सकता है। 1967 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी में 10 सूत्री कार्यक्रम पेश किया। बैंकों पर सरकार का नियंत्रण, पूर्व राजे महाराजों को मिलने वाले वित्तीय लाभ और न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण इसके मुख्य बिंदु थे। 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस वक्त ये बैंक देश के बड़े औद्योगिक घराने चला रहे थे। 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पूंजी वाले निजी बैंकों का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। 14 निजी बैंकों को राष्ट्रकृत करने के अपने फैसले को न्यायोचित ठहराते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि बैंकिंग को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना बहुत जरूरी है, इसलिए यह कदम उठाना पड़ रहा है। हालांकि उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए यह कदम उठाया था। दूसरी तरफ अपने सलाहकार और हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ के नारे ने देश में इंदिरा गांधी की छवि गरीबों के मसीहा के रूप में पक्की कर दी थी। लोगों में यह संदेश फैलाया गया कि सिर्फ इंदिरा ही गरीबों के लिए लड़ सकती हैं। यही कारण है कि जब मार्च 1971 में देश में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी। कुल 1518 सीटों में से कांग्रेस को 2/3 से भी ज्यादा 352 सीटें हासिल हुई थीं। लेकिन इस जीत ने इंदिरा गांधी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। इंदिरा की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंद्वी राज नारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राज नारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और इंदिरा गांधी के चीर प्रतिद्वंद्वी राज नारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया गया था। राज नारायण सिंह की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इस आरोपों को सही ठहराया था। इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तब कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा था कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है। इंदिरा गांधी ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की।
आपातकाल से पहले देश में महंगाई भ्रष्टाचार चरम पर था। भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस शासित राज्य सरकारों पर उंगलियां उठ रही थीं। जनता और छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। 1974 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल थे। उस वक्त उनके कार्यकाल में बड़ा घोटाला सामने आया और उन्हें गुजरात में चिमन चोर कहा जाने लगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए। नवनिर्माण आंदोलन हुआ। जनता चाह रही थी कि गुजरात सरकार को भंग कर दिया जाए। इंदिरा गांधी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने गुजरात सरकार को डिसॉल्व कर दिया। 1974 में बिहार में जेपी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। बिहार में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका था। हर तरफ आंदोलन की बाढ़ आ गई। बिहार सरकार को भी भंग करने की आवाज बुलंद हो रही थी। वहीं दूसरी ओर जॉर्ज फर्नांडिस ने 3 दिन की रेल स्ट्राइक करवा दी। रेल कर्मियों के लिए बेहतर संसाधन और तनख्वाह बढ़ाने को लेकर ये स्ट्राइक हुई। करीबन 17 लाख से ज्यादा रेल कर्मी इस स्ट्राइक में शामिल हुए। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्ट्राइक में से एक थी। पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है, जैसे नारे उन दिनों बुलंद हुए। इंदिरा गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो भी आंदोलन देश में उस वक्त हो रहे थे वे डेमोक्रेसी के लिए खतरा हैं। ये विदेशी पैसों द्वारा देश विरोधी आंदोलन है। लेकिन इंदिरा के खिलाफ विरोध कम नहीं हुआ। हर तरफ विरोध का सामना कर रही इंदिरा गांधी बौखला गईं। आक्रोशित इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला किया। इंदिरा गांधी इतनी क्रोधित हो गई थीं कि अगले दिन ही उन्होंने बिना कैबिनेट की औपचारिक बैठक के आपातकाल लगाने की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर डाली, जिस पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25-26 जून की मध्य रात्रि में ही अपने हस्ताक्षर कर डाले और इस तरह देश में पहला आपातकाल लागू हो गया। उस समय आकाशवाणी ने रात के अपने एक समाचार बुलेटिन में ये प्रसारित किया कि अनियंत्रित आंतरिक स्थितियों के कारण सरकार ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति की आज़ादी ही नहीं, लोगों के पास जीवन का मौलिक अधिकार भी नहीं रह गया था। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया था। आपातकाल के दौरान पूरा देश कारागार में परिवर्तित हो गया था। विपक्ष के सभी नेताओं को रात में ही जगाकर नज़दीकी जेल में जबरन डाला जाने लगा। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, चौधरी चरण सिंह, मुरारजी देसाई, नानाजी देशमुख, मधु दंडवते, रामकृष्ण हेगड़े, सिकंदर पक्त, HD देवगौड़ा, चंद्रशेखर, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रामविलास पासवान, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए जेल में डाल दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख बाला साहेब देवरस समेत 3 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया। जेलों में जगह नहीं बची थी। आपातकाल के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस ने आम आदमी की आवाज को कुचलने की निरंकुश कोशिश की। इसका आधार वो प्रावधान था जो धारा 352 के तहत सरकार को असीमित अधिकार देती थी। एक तरफ देश भर में सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर जुल्म हो रहा था तो दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 सूत्री एजेंडे, परिवार नियोजन, दहेज प्रथा का खात्मा, वयस्क शिक्षा, पेड़ लगाना, जाति प्रथा उन्मूलन पर काम करना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि सुंदरीकरण के नाम पर संजय गांधी ने एक ही दिन में दिल्ली के तुर्कमान गेट की झुग्गियों को साफ करवा डाला। लेकिन 5 सूत्री कार्यक्रम में ज़्यादा जोर परिवार नियोजन पर था। लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी कराई गई। 19 महीने के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी करा दी गई। उस दौरान तानाशाही शासन के द्वारा अपने मनचाहे तरीके से संविधान को गलत ढंग से परिभाषित किया गया और ये सब किया गया आपातकाल के नाम पर। जब जीप में बैठे गिरफ्तार JP ने कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रात 1:30 बजे गांधी पीस फाउंडेशन के अहाते में सो रहे चंद्रहर ने फाउंडेशन के सचिव अपने पिता KS राधाकृष्ण को जगाकर बताया कि पुलिस जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करने आई है। राधाकृष्ण ने पुलिस अफसर से कहा कि क्या आप 4 बजे तक इंतजार कर सकते हैं। JP तब तक
उठ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पटना जाने के लिए सुबह की फ्लाइट पकड़नी है। वो बहुत देर से सोए हैं और उन्हें थोड़े आराम की जरूरत है। 4 बजे राधा कृष्ण ने JP को धीरे से जगाया और जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार का दस्तखत किया हुआ वारंट पढ़कर सुनाया। JP तैयार होकर पुलिस की गाड़ी में बैठ ही रहे थे कि एक तेज रफ्तार से चलती हुई टैक्सी वहां आकर रुकी। उसमें से चंद्रशेखर कूद कर निकले। वो अपनी टैक्सी से JP के पीछे पीछे संसद मार्ग पुलिस स्टेशन गए। राधाकृष्ण ने चलते चलते JP से पूछा, क्या आप लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? JP ने पल भर सोचकर राधाकृष्ण की आंख में देखकर कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। देश में आपातकाल लगाने का फैसला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल पर भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा दाग है। आपातकाल के जरिए इंदिरा गांधी जिस विरोध की आग को शांत करना चाहती थीं, उसी ने 19 महीने में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। संजय गांधी और उनकी तिकड़ी से लेकर सुरक्षा बल और नौकरशाही सभी निरंकुश हो चुके थे। एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था कि आपातकाल लगने पर विरोध में कुत्ते भी नहीं भौंके थे, लेकिन 19 महीने बाद लोगों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। 1977 में फिर आम चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गई। इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव हार गई और कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई। JP की लड़ाई निर्णायक मुकाम तक पहुंची और इंदिरा को सिंहासन छोड़ना पड़ा। 23 मार्च 1977 को 81 की उम्र में जनता पार्टी की अगुवाई में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये आज़ादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। आपातकाल अपने पीछे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक छोड़ गया। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, जब नाश मनुष्य पिछाता है पहले विवेक मर जाता है। आपातकाल इंदिरा गांधी के बुद्धि और विवेक को परखने का सबसे बड़ा उदाहरण था। लोकतांत्रिक देश में सत्ता का नशा एक इंसान को देश की जनता के स्वाभिमान और आज़ादी के साथ खेलने की इजाज़त कतई नहीं देता। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की जनता तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसने भी तानाशाह बनने की कोशिश की, देश की जनता ने उसे उखाड़ फेंका है। आज कांग्रेस पार्टी जिस अधर्म में लटकी हुई है, उसकी नींव में आपातकाल का बीज भी शामिल है। आज उस काली रात के 47 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी उस गर्क से निकल नहीं पाई है। कर्म किया है तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।